बाबा साहब और माननीय कांची राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस परिनिर्माण दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहन कुमारी मायावती जी के आठ नाम काम कहे जाने वाले कई कई मंडलों के मुख्य कोऑर्डिनेटर आदरणीय सुधीर कुमार भारती जी मंच पे बैठे, आदरणीय श्री ओम प्रकाश गौतम जी, माननीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी, श्री छेदी मास्टर अकेला जी, देवरिया के जिलाध्यक्ष इंजीनियर अमरीश कुमार जी और गोरखपुर मंडल के कोने कोने से चल के आए छोटे बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों सभी भक्तगण माननीय कांसी राम साहब के प्रकाश काले हैं, हम उससे अपने आप को जोड़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय कांसी राम साहब जब जब नारा बनाए उस नारा का एक ना एक मतलब रहा। कांसी राम साहब जब बाबा साहब को पढ़े और समझे उसके बाद कांसी राम साहब ने नौकरी छोड़ करके पढ़े लिखों की एक जमान तैयार किया था। बाबा साहब ने सबसे पहले बांस से बनाया पढ़े लिखों का जमात खड़ा किया, जो नौकरी करने वाले लोग थे उनको जुटाने का काम किया। अगर बांस से का गठन हो गया तो बांस से के लोगों ने नारा दिया था माननीय मुख्य अतिथि, बांस से के लोगों ने हजारों हजारों की संख्या में नारा कि कांसी राम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जब कांसी राम साहब सोचे कि हमारा पढ़ा लिखा जमात आज संघर्ष करने के लिए कह रहा है तो माननीय कांसी राम साहब ने संघर्ष के दरमियान DS4 बना लिया। तब उन्होंने DS4 बनाया और DS4 में लाखों लाखों की जब भीड़ होने लगी तो भीम ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों मार साहब किया था कि नहीं किया? उसे भीड़ ने नारा दिया कि इस देश में भारी तादाद में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वोट हमारे पास है और राज तुम्हारे पास है, अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कांसी राम साहब ने बोला। उसके बाद जब लाखों लाखों की भीड़ होने लगी मान्यवर कांसी राम साहब ने राजनीतिक पार्टी बना दिया, बहुजन समाज पार्टी बनाया। जब बहुजन समाज पार्टी बना कई लाखों की भीड़, जब हम लोग देवरिया से लखनऊ जाते थे जब भारी भीड़ लखनऊ में जुटती थी तो मान्यवर कांसी राम साहब ने उसी भीड़ में नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय कांसी राम साहब ने उस लाखों लाखों की भीड़ में नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब इस देश में जितने वर्ग समाज के लोग जितने तादाद में रहते हैं सभी वर्ग समाज के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी देने की बात कांसी राम साहब ने कहा था। और जब कांसी राम साहब कहे तो राजभर का बेटा सुखदेव राजभर, राजभर का बेटा रामचंद्र राजभर, राजभर का बेटा बब्बन राजभर, राजभर का बेटा कालीचरण राजभर, राजभर का बेटा रामाशंकर विद्यार्थी राजभर, परदेश ही नहीं बल्कि देश के नक्शों में राजभर समाज स्थापित हो गया। यह मैं कह दिया और इतना ही नहीं किए थे कांसी राम साहब, कोई समाज बचा नहीं जिसको राजनीति में भागीदारी नहीं थी, चाहे चौहान का बेटा हो, चाहे यादव का बेटा हो, चाहे गड़ेरिया का बेटा हो, सभी वर्ग समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी देकर के और उनके मान और सम्मान को बढ़ाया था। फिर उसके बाद एक नारा चला कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जो वर्ग समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा वो फायदा पाया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कुशवाहा हो, बड़े
में भागीदारी मिला था ये किसने दिया? माननीय कांसी राम साहब की देन है और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। आज जब बहन कुमारी मायावती जी सूबे की मुख्यमंत्री थी, हजारों हजारों वर्षों की बिगड़ी बात आपकी बनी थी कि नहीं मानसा जो हजारों हजारों वर्षों से दबाई गए पछाड़े गए लोग थे, जिनका हक और हकू रोका गया था। बहन कुमारी मायावती जी के चार बार के कार्यकाल में बड़े पैमानों पर विकास की गंगा बही थी। आज हमारे वोटों ने करके 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे हमारे वोट को लेकर के ऐसी सरकार बन रही है कि हमारे बेटे और बेटियों की नौकरी छीन रही है। बड़े पैमानों पे बेरोजगारी है। हमने वोट कर दिया 5 किलो चावल और 5 किलो राशन पे और परिणाम क्या हुआ? बड़े पैमानों पे महंगाई है। ये हमारी मां बहने बच्ची है। बड़े पैमानों पे महंगाई है, बड़े पैमानों पे बेरोजगारी है। आज गरीब का बेटा फौज में जाता है, कोई बड़े नेता का बेटा फौज में नहीं जाता, कोई बड़े अधिकारी का बेटा फौज में नहीं जाता, कोई बड़े व्यापारी का बेटा, कोई बड़े डॉक्टर का बेटा फौज में नहीं जाता, बल्कि यही जो हजारों हजारों वर्षों से दबाए गए पछाड़े गए लोग हैं, इन्हीं के बेटे फौज में जाते हैं। आज क्या हो रहा? लोग कहे थे कि ये सब काटोगे अब 10 साल लाएंगे। कहां गया वो 56 इंच का सीना? मैं मंचों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कहां गया वो 56 इंच का सीना? अब मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं, राजभर का बेटा हूं, आपके बीच में बोल के जा रहा हूं, मैं नहीं कहता कि बहन कुमारी मायावती जी को 5 साल का प्रधानमंत्री बना दो, बहन कुमारी मायावती जी को 24 घंटे का प्रधानमंत्री बना दो, अगर अगल बगल के देश में सुधर जाए तो पूछ लेना इस बेटे से। यह मैं आपसे कहने आया। ये सभी हमारे वर्ग समाज के लोग, सभी अगड़े पिछड़े दलित समाज के लोगों, 2024 में आपको मौका मिलने जा रहा है। 2024 में आपको मौका मिलने जा रहा है। अगर आप लोग सच्चे अनुयायी हैं मानवर कांसी राम साहब के, आप सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, तो आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी बहन कुमारी मायावती जी ने जिनको कैंडिडेट बना दिया उनके हाथी का बटन इतना दबा दो कि यहां दबाओगे बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों का हौसला अफजाई करते हुए मंच पे बैठे सभी नेताओं का देवरिया जनपद की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।